अनसोल्ड रहे सुरेश रैना ने बीसीसीआई की इमोशनल अपील। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आईपीएल 2022 के लिए सभी फ्रेंचाइजियों ने खिलाड़ियों पर दिल खोलकर पैसा लुटाया है। आईपीएल 2022 के लिए 200 टीमों ने 203 खिलाड़ी को खरीदा। इनमें से 66 विदेशी खिलाड़ी शामिल है। मेगा ऑक्शन में सभी टीमों ने कुल 5,49,70,00,000 रूपए खर्च किए हैं। लेकिन मेगा ऑक्शन के दौरान सबसे ज्यादा हैरानी उस वक्त हुई जब मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना का नाम सामने नहीं आया और किसी भी फ्रेंचाइजी ने उन्हें खरीद के लिए हाथ तक नहीं उठाया। उम्मीद की जा रही थी कि एमएस धोनी की कप्तानी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स सुरेश रैना को जरूर खरीदेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आईपीएल 2022 में मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। मेगा ऑक्शन के बाद सुरेश रैना ने बीसीसीआई से एक अपील की है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आइए जानते हैं उस वीडियो के बारे में। दोस्तों, आईपीएल 2022 के लिए मेगा ऑक्शन में किसी भी टीम द्वारा नहीं खरीदे जाने के बाद सुरेश रैना ने बीसीसीआई से अपील की है कि बीसीसीआई उन खिलाड़ियों को बाहरी लीग खेलने की अनुमति दो जो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, जिनको आईपीएल में भी नहीं खरीदा गया है। देखना है कि सुरेश रैना की ये अपील बीसीसीआई मानती है कि नहीं। वहीं सुरेश रैना के आईपीएल करियर पर नजर डालें तो सुरेश रैना आईपीएल के 205 मुकाबले खेले हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 5,528 रन निकले हैं। आईपीएल में सुरेश रैना के बल्ले से एक शतक भी निकला है। इसके साथ ही सुरेश रैना ने 39 अर्धशतक भी जड़े हैं। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या बीसीसीआई को उन खिलाड़ियों को परमिशन देनी चाहिए ताकि वो विदेशी लीगों में खेल सके? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।